जी इस वक्त मैं सजानी डॉन थाने में मौजूद हूँ। मेरे साथ SHO असद नबी साहब मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों गुज़िश्ता अरसों से जो एक मनगढ़ंत कहानियाँ चल रही थी स्पेशल ब्रांच की लिस्ट आने के बावजूद भी ऐसे एक ईमानदार अफसर को कुछ नाम निहाद जाली साहब जाली व्हाट्सअप के जरिए इस शख्स को बदनाम करने की कोशिश जा रही थी। हालांकि जब से इस शख्स ने दोबारा चार संभाला है, हमने भी वक्तन इस इलाके में विजिट करने के बाद जब देखा है कि यहाँ पर जराइम हो, क्राइम हो, लैंड ग्रेपर हो, मंशात फरोश हो या फिर गुटके मामलों वाला हो, सब में खलबली मची हुई है। क्योंकि SHO असद नबी दोबारा आ गए हैं और यहाँ पर आके ये मुनज़्ज़म गुरबा को पकड़ने की फुल कोशिश कर रहे हैं। यही मुनज़्ज़म गुरबा मिलकर इनके खिलाफ एक प्रोपेगंडा फैला रहे हैं, इनको साजिश कर रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे पास SHO असद नबी साहब मौजूद हैं। आइंस जाते क्योंकि इन्होंने आज एक बहुत बड़ी दबंग कार्रवाई की है। ये एक पुलिस के वो SHO के इसमें एक अहम रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है कि इन्होंने आते ही यहाँ पर एक दबंग कार्रवाई की। जुगा सट्टे का जो मुलजिमान है जो अपने मुलाजिम गुरबा के साथ मिलकर SHO असद नबी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है कि SHO असद नबी 70,000 रुपये हफ्ता मुझसे वसूल कर रहा है। हालांकि जब अगर SHO असद नबी 70,000 वसूल करता तो आज उसी मुलजिम गुरबा के अड्डे में छापा SHO असद नबी नहीं मारता। पर इन्होंने ये कार्रवाई करके साबित कर दिया है और उन जाली व्हाट्सअप उन जाली साथियों को मुँह तोड़ जवाब दिया है कि अगर मैं ऐसा हफ्ता लेता तो मैं ये इस पर कार्रवाई नहीं करता। आज इन्होंने कार्रवाई करके ये साबित कर दिया है कि सजानी टाउन की आवाम जो वहाँ पर नारे लगाई थी कि सिंह पुलिस जिंदाबाद, SHO नबी जिंदाबाद, सजानी टाउन की मजबूरी है, असद नबी ज़रूरी है, वो इसी बात के नारा लगा रही थी। क्योंकि इलाका मकीन जो है इस SHO से मुतमईन नज़र आते हैं और उनका यही मुतालबा है आला हुकाम से, DIG वेस्ट नासिर अफ्ताब साहब से, SSP वेस्ट मैडम सोहैदी साहब से कि ऐसे ही अफसर को सजानी टाउन में कायम रखें, वो इनको यहाँ पर रखें ताकि यहाँ की जो और भी जो गन के जो लोग हैं जो यहाँ पर जराइम क्राइम में जो लोग यहाँ मुलविस हैं उसको ये कैफे किदार तक पहुँच सकें। अभी हमारे साथ SHO असद नबी साहब मौजूद हैं। आए जा रहे इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, बहुत बहुत मुबारक आपको कि आपने बेहतरीन दबंग कार्रवाई की है और करने वाला हूँ। हर DSP अच्छा चाहता है कि मुझे SHO सब डिवीज़न में अच्छे मिले, इसी तरीके से हर SSP हर DIG ऐसा चाहता है कि हमारे मातहत हमें अच्छे मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैडम साहबा ने हमें इतनी अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के तरफ से हमें एतमाद करके और उसके हुक्म से अल्लाह के हुक्म से हमें यहाँ रखा है। क्या हम अपनी इज़्ज़त मिट्टी में मिलाएंगे? क्या हम अपने सीनियर्स की के लिए कुछ दबा और दाग बन कर जाएंगे? कुछ भी नहीं, ये चल रहे हैं, ये हमेशा इल्ज़ाम रखते हैं, जो काम करते हैं उसके ऊपर इल्ज़ाम रखते हैं। इनको साबित करके दिखाएंगे कि हम उनके बिल्कुल उनके बाजू हैं, उनके चहीते जो अल्फाज वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हैं, मगर वो हक और सच पे हैं, उनकी पॉलिसी पे हैं और गरीब के हमदर्द हैं, मजलूम के हमदर्द हैं, जालिम के दुश्मन हैं। जी नाजिन, जैसा कि SHO असद नबी की आपने बिल्कुल ज़बानी सुनी तो यही कहना है कि जब तक हम यहाँ पर हैं, सजानी के अंदर हैं, इंशाल्लाह जराइम और क्राइम कंट्रोल करके रहेंगे, मंशात फरोश हो या गुटखा माफिया हो इसको इसके मंजिल तक पहुँचा के रहेंगे। और हमारे पास जो ये जमा जो लग रहे हैं कि हमने भत्ता ले रहे हैं, अगर हम किसी से भत्ता लेते हैं तो आज हम इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं करते और कार्रवाई करके हमने इसको मुँह तोड़ जवाब दिया है। कैमरामैन टीम के साथ एजाज अहमद खान, 27 न्यूज़, कराची।